الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرين الكرام آجهم सिलसिला सरतल्बियालम के सिलसिले में इनशा सैदना यूसुफ़लाम का क़स्ा शुरू करेंगे इनशा और इससे पहले हम हज़रत इब्राहीम का क़सा सुन चुके हैं और फिर सैदना लूत सलामाम और फिर जरत शुब्लम का क़स्ा गो कि वो जमान जमानी तरतीब के अबार से टाइम के अतबार से शुब्बा यूसुफ् के बाद के दौर के हैं गिबा लेकिन आ, क्योंकि अब सईद यूसुफ का क़स्सा थोड़ा सा तवील है इसलिए हमने सोचा कि भाई पहले वो ख़त्म करके तो फिर ये शुरू की जाए हज़रत इब्राहिम के दो बेटे बहुत मशहूर हैं वैसे तो आपकी और बहुत सी औलाद है चार बीवियों के नाम आते हैं तारीख़ में और कई बेटे और भी थे लेकिन दो बेटे जो हैं जो जो जिनके बारे में आता है कि वो नबी हुए एक सेदना अलैहिस्सलाम जो आपकी बीवी साहिबा हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के वतन से थे और दूसरे हज़रत इसहाक़लम जो आपकी बड़ी बेगम साहबा हज़रत सारा के वन से थे और जिनके पैदाइश की खुशखबरी का किस्सा कुरान करीम में तो बयान हुआ है और काफ़ी तफसील से बयान हुआ है और हम वो भी सारा वो किस्सा सारा सुन चुके <coughs> 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 और हज़रत सलाम के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है एक जगह सूरह जारियात में वशर <laughs> अलीम हमने एक इल्म वाले लड़के की उनको खुशखबरी दी इब्राहिम को तो हज़र इसहाक़् के लिए ये अलीम की सिफत बयान हुई जबकि हज़रत इसमाई स्म के लिए गुलाम हलीम की जो है वो सिफत बयान हुई थी तो इनकी जो बड़ी मशहूर सिफत है वो इलम वाला होना है और दूसरी जगह आता है वबशरनाहब इसहा नबीयम के वह नबी थे और साल्न में से थे ये सुरह साफ में आता है अच्छा जी इसहाक इसहााक़लम के फिर आगे एक और बेटे थे और भी आपके कई बेटे थे एक बेटे उनमें से मशहूर है वो हैं हज़रत याकूब सलाम। वो भी नबी थे और इसहाक इसहाक़ल भी नबी थे और याकूब सलाम वो हैं कि जिनका लक़ब था इसराइल और इसराइल जो है ये गालिबा इबरानी ज़बान का यह लफ्ज़ है और ईल उस में कहते हैं अल्लाह को और इसराइल का असली लघो भी माना था अल्लाह का बंदा जिसे हम अरबी ज़बान में क्या कहेंगे अब्दुल्ला लेकिन यहूदियों ने यह उनकी यहूद की तारीख में ये बात मौजूद है लेकिन यह भी मौजूद है कि यहूदियों ने इस नाम को ग़लत मानी भी पहना दिए और इसराइल का एक माना यह भी बयान किया जाता है यहूद की तारीख में जो, जिसको उन्होंने तहरीफ और मश किया है और अपनी तरफ से उसमें बहुत सा झूठ मिला दिया है यहूद ने कि वो शख्स जिस जिससे खुदा ने कुती लड़ी और उसको हरा ना सका नावुबिल्ला मजालिक याकूब आलाम के बारे में एक आता है बाइबल में दर्ज है कि तीन दिन और तीन रात खुदा से नवजुबिल्ल उनकी कुश्ती हुई और उनका खुदावंद उनका खुदा जो था नावज़ुबिल्लमजालिक वो अपने उस बंदे को हरा नहीं सका ठीक है तो ये बड़े ताकतवर और बड़े शानदार किस्म के बंदे नावज़िल्ला उससे यह उन्होंने यहूद की अल्लाह से जो दुश्मनी है और अल्लाह के फरिश्तों से और अल्लाह के अम्बिया से वो मशहूर है तो उन्होंने ये बेसरपा क़स्ा एक कि अपनी किताब में दर्ज कर दिया है तो ये हज़रत याकूब आलम का क़स्सा भी कुरान करीम में हज़रत यूसुफ हज़रतूसुफ्म के ज़मन में ही आ जाता है हज़रत इसहाक़ के बारे में बहुत तफासल नहीं पता चलती और यकूब आसमाम का भी मुख्तर सा यह कस्सा है और एक जगह सूर्य बकरा में आता है कि वो उन्होंने जो वफात से पहले अपने बच्चों को जो वसीत की उसका तस्करा आता है अगर मौका हुआ तो वो कभी पढ़ेंगे इन शो यहाँ तक तो है ये इन दोनों का मामला नबी करीम अलैहि वसलम से पूछा गया कि इंसानों में सबसे ज़्यादा करीम कौन है करीम कहते हैं इज्जत वाला ठीक है सब जो शर्फ वाला बुजुर्गी वाला तो अक्सर अरबी जबान में ये इस जो शख्स अच्छे बड़े ख़ानदान से हो जो बड़े हसब नसब वाला हो उसके लिए इस्तेमाल होता है तो किसी ने पूछा कि इंसानों में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला और शर्फ़ वाला कौन है तो नबी करीम सलम ने जवाब दिया जो उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो ठीक है अब जवाब पे ज़रा गौर कर रहे हैं ये सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह से तो डरने वाला हो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब वही हैं ऐसा नहीं है कि लोगों का सवाल आपको समझ ना आता हो ये हो नहीं सकता कि सवाल ना समझे हो सबसे बढ़कर लोगों का सवाल समझने वाले थे तो आपने लेकिन वो जवाब दिया जो कि असली जवाब था जो असली जवाब था कि वो ये था कि जो उनमें सबसे बढ़कर अल्लाह से डरने वाला हो ये है वो सिफत है जो किसी भी इंसान को सबसे बढ़कर इज्जत वाला बनाती है अल्लाह की नज़र में अल्लाह के यहाँ सबसे इज़्ज़त वाला वही है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता है सबसे ज़्यादा अल्लाह का ख्याल रखता है जिसको अल्लाह का एहसास रहता है तो लोगों ने कहा नहीं यार रसोल्ला वल् हम तो कुछ और पूछ रहे थे फिर आपने हालाँकि पूछ सकते थे अच्छा भाई तुम क्या पूछ रहे थे पता तो था मेरा मुझे यकीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था लेकिन क्योंकि आपका अपना फरमान है तो बोस्तमन के मैं जो है उस्ताद बनकर टीचर बनकर मफलूस हुआ हूँ तो आप किसी भी मौके को सिखाने के मौके को हाथ से जाने नहीं देते थे तो सबसे पहले तो आपने सही जो असूली जवाब था वो दिया अल्लाह पाक हमें सबसे बढ़कर अल्लाह से डरने वाला बना दे आमीन हम सब को जब उन्होंने कहा यार सोल्ला नहीं हम पूछ रहे थे तो आपने अच्छा फिर तो सबसे ज्यादा जो करीम है वो वह हैं जो करीम अल करीम इब्न अल करीम इब्न अल करीम इब्न अल करीम है इस शर्फ और बुजुर्गी वाला उसका बाप भी शर्फ और बुजुर्गी वाला उसका बाप दादा भी इज़्ज़त वाला और उसका दादा उस, उससे बढ़कर इज्जत वाला और खलील तो वो तो यूसुफ अलैहि सलाम थे आपने फ़रमाया और यूसुफ अलैहि सलाम यानी ख़ुद भी नबी बाप भी नबी दादा भी नबी परदादा भी नबी ठीक है ये गालिबल इंसानी इन, तारीख़ में कोई दूसरी शख्सियत ऐसी नहीं हुई कि जिसकी चार नस्लें इस तरह और इन चारों पे ये गालिबंद तो ऐसे तो इन चारों पे ये बात साबित हो सकती है इब्राहिम सलाम पे उससे ज़्यादा हो सकती है उनके तो दो नस्लें हुई हैं और नबी हुई हैं और तो ये एक सिखाने का तरीका था ठीक है नोट करेंगे ये नहीं कहा कि मैं हूं अल्लाह के बंदे कभी खुद को नहीं कहते है। ठीक है अल्लाह के बंदे इख्तियार करते हैं या अभी आगे भी आ रहा है इस मौजू पर जिक्र तो जो कहा भाई मेरे भाई यानी यूसुफ सलाम थे अच्छा सूर्य यूसफ के बारे में या अब मैं अर्ज़ करने लगा था कि हम हज़रत यूसुफ् का किस्सा बाज लिहाज से कुरान करीम में यूनिक है अपनी मिसाल आप है इसकी दूसरी मिसाल नहीं है वो ये कि सारे बाकी अम्बिया के किस्से मुख्तलिफ सूरतों में उनके अज़ा बयान हुए हैं किसी में को, कोई बात आई है किसी में कोई बात आई है उस उस वक्त के मौजू के एतबार से उस अ, उस नबी के किस्से का फला इतना जुज उस फला सूरत में आ गया है ना यूसुफ़ यूसुफ् वाद नबी हैं कि जिनका पूरा का पूरा किस्सा इसी एक सूरत में दर्ज हो गया है ठीक है उसके अलावा कुरने करीम में गालिबन दो जगह और हजरत यूसुफ साम का नाम आता है और एक जगह सूर्य गाफिर में उनके बारे में एक जुमला को कहता है जो मोमिन आल फ़िर है वरना उसके अलावा यूसफम का कोई ख़ास क़स्सा कहीं और मेरे जम्मे नहीं है ठीक है एक आध अच्छा जगह है वो वो हम पढ़ेंगे लेकिन ऐसा उनका किस्सा पूरे का पूरा इसी सूरत में आ गया है एक ही सूरत में ठीक है ये यूनिक बात है और सलाम इस इस मामले में कुरान करीम में ख़ास हैं यह भी लिखा है कि जो गम के हालत में सूरह यूसुफ को पढ़ेगा उससे ग़म दूर हो जाएगा और सूरह यूसुफ का असली मैसेज ये है कि अगर किसी शख्स में तकवा और सबर की दो क्वालिटीज़ मौजूद हैं तकवा यानी अल्लाह से डरना अल्लाह का ख्याल रखना और दूसरी जो खूबी है वब्र तो ज़रूर भी ज़रूर वह कामयाब होगा दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा ठीक है ये दो अजीम सिफात होनी चाहिए इंसान में अच्छा जी आ, एक बात ये सूर्यसु के बारे में आता है कि हज़रतमर रजी बहुत शौक से सूर युफ़ की तिलावत फ़रमाया करते थे खसूस फ़जर की नमाज़ में पढ़ा पढ़ाया करते थे और जिस रोज़ आपकी शहादत हुई है ालिबन उस रोज़ भी सरयुसुफ़ ही पढ़ा रहे थे अगर मुझे सही आदत हो और बहुत रोया करते थे इसको पढ़ के बहुत रोया करते थे इसमें है कोई ख़ास बात है ठीक है जी ये बात अब ये सूरत कैसे नाजुल हुई तो का ख़या है कि एक तो इसका जो ज़मान नज़ूल है ये किस ज़माने में नाजुल हुई नबी कर सलील वसम के जो मुकरमा में जो क्याम का आखिरी दौर था उसमें नाजुल हुई है। गालिबन जबकि क्रैश के लोग इस मसले पर ग़ौर कर रहे थे कि नबी करीम सलील्हल को या तो कत्ल कर दें या वतन से निकाल दें या क़ैद कर दें वही वही साजिशें जो यूसुफ़ल के भाई उनके खिलाफ कर रहे थे और नबी करीमल वसलम के कज़न सारे कज़न ही थे ना कुरश वाले सारे आपस में रिश्तेदार थे तो ये नबी करीम सल व्म के खिलाफ वही साजिशें कर रहे थे तो रिवायत में आता है बाद रवायतों में कि उस ज़माने में कुफ़ार मक् ने गालिबन यहूदियों के इशारे पर यहूद से वो मशवरे करते रहते थे और यहूद उन्हें तरह तरह के सवाल सिखाते रहते थे ये मारूफ़ बात है कुरान में भी इस, इसका इशारा मिलता है तो लिबन यहूदियों के इशारे पर नबी करीम सल वम से सवाल किया कि ये बताएँ कि बनी इसराइल तो यानी हज़रत याकूब और इस इब्राहिम और इन, इनका वतन तो फलसतीन था और मूसा निकले हैं मिसर से मूसा ने मिसर से हजरत की और हालांकि वह याकूब आलाम की नस्ल में से हैं तो ये कैसे हो गया बनी इसराइल मिसर कैसे पहुँच गए ये कहाँ से मिसर कहाँ से बीच में आ गया ठीक है ये सवाल किया और सवाल करने का मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे तालीम तो आपने हासिल कभी की नहीं थी ठीक है कभी किसी किताब को कभी पढ़ा नहीं था उस जमाने में किताबें इस तरह होती भी नहीं थी प्रिंटिंग प्रेस के इजाद होने में तकरीबन एक हजार साल आठ सौ साल बाकी थे हैं प्रिंटिंग प्रेस जो है सन चौदह सौ कुछ में याद हुआ ना चौदह सौ चौरासी में तो आप समझ लें कितने हो गए कोई सात सौ साल तो कम से कम बन गए है ना तो अभी सैकड़ों साल तो प्रिंटिंग प्रेस ईजाद होने में बन थे पूरी दुनिया में किताबें नादिर होती होती थी लेकिन बड़ी महंगी और नादिर लेकिन अरब के जो अजीम शान सहरा थे उनके वसत में मक्का शहर में तो किताबों का वजूद बिल्कुल ही इक्का दुक्का ठीक है कोई तौरात और इंजील की यहाँ पे लाइब्रेरिया नहीं थी कि यहाँ पे जी कोई जाके जो इशू करा के तो पढ़ लेने किताब को ठीक है ना इस किस्म के का तस्वर ही नहीं था ठीक है आज तक आपकी ज़बान से इस किस्म का कोई क़स्ा किसी ने सुना ही नहीं था गालिबा हज़रत यूसुफा का या किसी ने नाम भी नहीं सुना था ठीक है हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इवन आम म, म, मक्का वालों ने यह चीज़ कभी सुनी नहीं थी और उनको तो थी कि या तो उस वक्त टाल मटोल करेंगे नबी करम सल्लम का अच्छा मैं सोच के बताऊँगा या किसी यहूदी से पूछने की कोशिश करेंगे नव्ल कदरल्ला हैं तो आपका जो है ना वो पोल खुल जाएगा नाजुमिल्ल इस तरह ये क्राइश की साजिश थी कि इस तरह हम नबी करमल वसलम को ट्रैप कर लेंगे लेकिन हुआ ये कि उसके बरक्स अबहाना व ताली ने नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर यह सुरयस जारी फरमा दी और ना सिर्फ़ पूरा किस्सा उसमें बयान हो गया बल्कि जो हालात नबी अलैहि वसल्लम पर गुजर रहे थे बिल्कुल उन्हीं हालात को के मुताबिक सराह यूसुफ में जगह जगह उस पर तबसरा भी किया सूर्य में बिल्कुल वही हालात हैं कई लिहाज से वही हालात थे जिन हालात से नबी करीन सल वसलम को गुजरना पड़ा था और अल्लाह ने उसकी मिसाल को नबी वसल्लम के ज़माने पर उससे पूरी तरह चस्पा भी कर दिया और आखिर में इस बात को खोला भी आखिरी आखिरी जो एक डेढ़ सफ़ा है वो उसी उन्हीं इसबाक पर मुश्तमिल है जो उस जमाने के लोगों को और हकीकतन आज के ज़माने के लोगों को भी हर जमाने के लोग उसमें से सबक हासिल कर सकते हैं तो ये ख़ास मज़े से सुर इस तरह नाजुल हुई है इसमें एक मजदा यह भी है कि इसमें तोरात की में जो हज़रत यूसफ़्मा कस्सा बयान हुआ है उसकी उसमें कई गलतियाँ हैं उन गलतियों की असलाह भी की गई है और कई और तफसलत बताई गई हैं जो उस तौरात में नहीं है और कई ऐसी बे, बेकार तफसीलत से परहेज़ किया गया है जो तौरात में है कुरान का तरीक़ा है कि जब किस्सा बयान करता है तो जो काम की बात है जिससे सबक हासिल हो सकता है या जो समझने के लिए ज़रूरी हो वो बता देता है उसके अलावा बेकार की बात नहीं करता अक्सर आपको कुरान के किस्सों में नाम नहीं मिलेगा है ना और तौरात पढ़ेंगे तो हर हर शख्स का नाम मिलेगा हालांकि नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता नाम से तो इंसान कुछ नहीं सीखता ठीक है ये जो है खास ये, ये किस्सा सुनाने का ख़ास कुरानी स्टाइल जो है ये है एक बात ये कहना ज़रूरी है कि जिस तरह अल्लाह व बहना किस्सा सुना सकता है उस तरह हमें से कोई नहीं सुना सकता इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि सूरह यूसुफ़ जो है यूसुफ़ यूसफ का कस्सा हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे जिस तरह बाकी अम्बिया के कस्से पढ़े थे बल्कि पूरी सूर्य यूसुफ़ पढ़ेंगे इनशाला ठीक है ना तो जिस तरह अल्लाह ने सुनाया उस तरह सुनेंगे और साथ साथ उस पर हफसीर और तशरी का कस्सा चलाते रहेंगे इनशाला ठीक है जी <coughs> थोड़ा सा इसका तारीखी और जोग्राफियाई बैकग्राउंड कुछ जो पस मंजर है वो जानना जरूरी है आप जो मैंने अर्ज किया कि वो किसके बेटे थे और किसके पोते थे और पड़ पोते थे ये भी जान लें कि याकूब आलम की चार बीवियाँ थीं और बारह बेटे थे चार बीवियों से उनके बारह बेटे थे हजरत यूसुफ् और उनके छोटे भाई बिन यमीन वो सब वो एक बेगम साहबा से थे और बाकी दस जो बेटे थे वो बाकी तीन दूसरे बेगम से थे ठीक है और ये भी जान लें कि इंग्लिश में या तोरात में इब्राहिम इब्राहीम को अब्राहम कहा जाता है और इसहाक इसहाक़् को आइजक आई एस ए ए सी और याकूब को जैकब और यूसुफ़ को जोसेफ और बिन यामीन जिसे हम कहते हैं उनको वो कहते हैं बेंजामिन ठीक है तो यूसुफ अलैहि सलाम और बिन यामीन जो है ये दो सगे भाई थे आपस में बाकी उनके जो दस भाई थे वो सतीले थे फ़लस्तीन में हज़रत यकूब की जो का जो क़याम था वो एक जगह है हिब्रोन आजकल भी है आजकल उसे अलखल भी कहते हैं और वहाँ हजरत इसहाक़ और हज़रत ये अलखलील कहते हैं उसे हजरत इसहाक़ और हजरत इब्राहिम भी वही रहा करते थे और कुछ कुछ ज़मीन उनकी नाबुलस नामी इलाके में भी ये भी फ़लस्ती का इलाका है नाबुलस उसमें में थी और यूसुफ तकरीबा दो हज़ार साल कबल मसीह में पैदा हुए हैं एक हज़ार नौ सौ छः लिखा है वल्लम आप सभी लीजिए रफली टू थाउजेंड ठीक है ये बताया जाता है उस जमाने में मिस्र में एक ख़ानदान की हुकूमत थी जो मिस्र में बादशाहों का फिफ्टीन खानदान समझा जाता है कौन सा पंद्रवा मुख्तलि खानदान होते हैं ना भाई एक मुल्क पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पंद्रवा खानदान था मिस्र बहुत पुराना है भाई मिस्र के बारे में कहते हैं मिस्र उम्मत दुनिया मिस्र पूरी दुनिया की माँ है यानी उनकी तारीख बहुत पुरानी है है ना तो उस वक्त मुसा, इस जज़रत सलाम से 2000 साल पहले भी उसमें पंद्रहवा ख़ानदान था तो कितनी पुरानी तारीख़ वहाँ की रिकॉर्डेड है उस पंद्रह ख़ानदान को मिस्र की हिस्ट्री में हिक्स किंग्स कहते हैं हिकस किंग्स और इसके माने हैं लघवी तर्जुमा है, है। चरवााह बादशाह वो बादशाह जो चरवाहों के औलाद से थे और ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं है कि ये तकरीबन दो दो हज़ार साल परबल मसीह जो है आ, में इन्होंने मिस्र पर कब्ज़ा किया ये असल में अरबी उन नसल थे फ़लस्तीन और शाम के इलाक़े से जाकर उन्होंने मिस्र पर कब्ज़ा किया था ये असली औरिजिनल मसरी नहीं थे ये जो हैक्सॉस किंग्स थे चरवाहे बादशाह ठीक है और इनको बरल यानी यूसुफ़ के एक लिहाज से हम कौम समझे जा सकते हैं एक लिहाज से वो भी सलाम के यानी वो फ़िलिस्तीन और शाम के इलाकों के ही किंग्स थे और दिलचस्प बात इनको अरबी तारीखों में अमालिका कहा जाता है अमालिक आन से ठीक है और इनकी बादशाही कई सौ साल रही आखिरकार जो है तक कहते हैं कि कई सौ साल तकरीबन तीन चार सौ साल रही और उसके बाद फिर किबतियों ने इस ख़ानदान तख़् रट दिया जब तक जब तक हिकसॉक्स किंग्स की बादशाह रही तो बनी इसराइल को भी उरूज हासिल रहा इसी तरफ की तरफ अल्लाह ने इशारा किया कि इस जा लफी कम अम्बिया व जा मलूका कि जब हमने तुम्हें बादशाह तुम्हारे अंदर नबी पैदा किए और तुम्हारे तुम्हें बादशाह बनाया ठीक है तो ये ये फ़िरौन से भी बहुत पहले हज़रत मूसा से बहुत पहले बनी इसराइल ने मिसर पर बादशाही की खैर ये भी दिलचस्प बात है कि ये जो चरवाहे बादशाह थे हेक्स किंग्स ये अपने देवता अपने जो गॉड्स थे ना वो शाम से अपने साथ लाए थे जो मिस्र में सन गॉड की सूरज खुदा की जो इबादत थी वो नहीं करते थे उसकी वद, उसकी अहमियत यह है कि जो सूरज देवता के पुजारी थे मसरीबती बादशाह उनको कहते हैं फ़िरौन ठीक है क्योंकि वो रा से है। आ रे रा राहते हैं सूरज की शुआ को जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं रे ठीक है वो उसी से निकला है तो इनको कुरान में फिरौन नहीं कहा गया बल्कि मलूक मलिक कहा गया है जबकि यह मिसल के बादशाह हैं और फिरौन के लिए फिरौन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाइबल में दोनों को फिरौन कहा है क्योंकि बाइबल के लिखने वाले जो यहूदी थे जिन्होंने उसको तहरीफ किए उन गल बेचारों के इल्म में यह तारीख नहीं थी कि ये बादशाह ये फ़िरौन नहीं थे ठीक है तो ये बड़ी तारीख़ी ग़लती है बाइबल में कि यूसुफ यूसुफ़ल के ज़माने के बादशाह को फ़िरौन कहा गया हालांकि वो फ़िरौन नहीं थे फ़िरौन एक मजहबी ख़ास बादशाह का लक़ब है जिसके जो सूरज देवता से माखूज है समझ रहे हैं और वो किबती होते थे ये किबती भी नहीं थे तो ये कुरान का मुझा है कि यहाँ मिस्र का ही वो बादशाह है लेकिन उसके लिए फ़िरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ ठीक है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैंने अर्ज़ कर दिया है अच्छा जी अब हम सूरत इंशाल्लाह शुरू करते हैं आऊजबिल्ल मिनयन बसमीम रा ये हरूफ़ मख्अात हैं इनके माने अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता और हो सकता है अल्लाह का रसूल भी जानता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन हम नहीं वाकिफ और इनके ना जानने से मानने पर हमारे यानी बाकी कुरान को समझने पर कोई असर नहीं पड़ता दैट ये तो मैंने कह दिया है लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि बाज उलमा ने यह कहा है कि अलिफ लाम रा इस सूरत का नाम भी है बाज यह अकवाल मिलते हैं मुतद तफसीरों में और कुरान करीम में पाँच सूरतें ऐसी हैं जो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं कुर करीम में पांच सूरतें हैं सूरे यूनुस सूर्य हूद और यूसुफ सूरत नंबर टेन अलेवन टवेल्व आज के मुसहफ की तरतीब में है और समझा जाता है कि सूरे यूसुफ सुर हूद के बाद नाजिल हुई है और उससे अगली हैं सरय इब्राहिम और सूर्य अलजर ऐसे है जी ये पाँच सूरतें है वो हैं जिन अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं और मुब्रिन ने लिखा है कि मुफसर ने लिखा है कि इन पाँचों सूरतों का मुश्तरक एक मजमून है और वो है अम्बिया और रसालत अम्बिया और उनकी रसालत और रसूलों के लिए अल्लाह की नुसरत इन पाँचों सूरतों में ये मजमून कॉमन है और इसकी तरफ इस सूरत में इसमें भी और उन सब सूरतों में इशारात भी आते हैं ठीक है किस्से भी सुनाए गए हैं जिनमें अम्बिया की अल्लाह ने बिलाकर नुसरत की और आपको साथ साथ इस तरफ इशारा भी किया गया इस मजमून की तरफ तो ये लाम़ रा की इन सूरतों में ये बात कॉमन है ये एक ग्रुप समझा जाता है ठीक है जी तिल का आया तुल मुबीन ये उस किताब की आयात हैं जो अल मुबीन है जो अल किताबुल मुबीन है मुबीन बयान से है यानी वो चीज जो बिल्कुल वाज़े हो उसमें कोई इबहम ना हो इसके दलाइल बड़े रोशन हैं और दिलो दिमाग को अपील करने वाले हैं ग़ौर से सुने जो तमाम कन्फ्यूजनस को दूर कर दे तमाम उलझनों को रफा कर दे इसलिए कह रहा हूँ कि ये पिछले बीस साल से मैंने ये जुमला बहुत सुना है बड़ी कन्फ्यूजन है जी समझ नहीं आता सही कौन है गलत कौन है हक क्या है बातिल क्या है बड़ा जी समझ नहीं आती बड़ी कन्फ्यूजन है जो क़ुरान करीम को पढ़ने वाला शख्स है अगर सच्चे दिल से पढ़ेगा वो कभी कन्फ्यूज़ नहीं हो सकता ठीक है कर्न करीम तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करता है ठीक है ये कुरान करीम का ख़ास मुजजा है पहली बात तो ये इस लिहाज से किताब मुबीन है कि इसको सच्चे दिल से पढ़ने वाला सच्चे दिल से पढ़ने वाला और इसकी इत पैरवी करने वाला कभी कन्फ्यूज़ नहीं होगा ठीक है इबहम का और उलझन का शिकार नहीं होगा नंबर वन दूसरी बात यह है कि मुबीन से ये मुरादें किन करीम कि सदाकत जो है जो उसका सच्चा होना उसकी गवाही के लिए कोई खारजी सबूत नहीं चाहिए कोई बाहर से किसी मोजे की ज़रूरत नहीं है जो इसकी अपनी हकानियत आफ्ताब की तरह सूरज की तरह रोशन है और इसके अंदर है और इसकी बेशुमार मिसालें अगर आप कन्वर्ट्स की कहानियाँ पढ़ें अगर आपको इसका शौक़ हो कि जो लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होते हैं चाहे ईसाई हों चाहे यहूदी हों चाहे दूसरे तीसरे मजाब के मानने वाले हों ठीक है हिंदू और कई मज़ाहब वाले डहरियों जब कुरान करीम पढ़ते हैं तो वो उनके दिल की दुनिया बदल देता है जब कोई शख्स बग़ैर किसी तसब के इस कुरान को, को जब पढ़ेगा तो उसकी दिल को दुनिया को बदल डालेगा इसमें ऐसी क़वत है तो ये जो रिवर्ट्स कहते हैं जिनको या कॉन्वर्ट्स वो बहुत ज़्यादा मैं ऐसे जानता हूँ कि इस्लाम के जाने दुश्मन थे और कुरान पढ़ा तो और कुरान इसलिए पढ़ा खूस कई बहुत ऐसे हैं कि जो इसलिए कुरान पढ़ते हैं कि इसमें से गलतियाँ ढूंढेंगे और इस पर देखते हैं भी क्या कहता है ताकि पता चले इसमें क्या ख़राबियाँ हैं और पता चलता है वो उसके बाद उसको अपना दिल दे देते हैं और मुसलमान हो जाते हैं तो ये बहुत आम बात है बहुत रिवर्ट्स इस बात उनको बयान करते हैं तो ये है तिल कायातुल्कताबिलमुबी इन ना कुरान लाअम त और हमने इसे नाजिल किया है क़र्न बनाकर अरबी आरबी ज़बान में ताकि तुम इसको अच्छी तरह समझ सको तुम अच्छी तरह अपनी अकल इस्तेमाल कर सको इसमें अच्छी तरह से समझ लो पहली बात यह कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इसे क़ुरान बनाया क़ुरान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मान है पढ़ना तो यह किताब जो है ये क़ुरान इस मन में है जब किसी किसी को कहेंगे ना भाई वो बड़ा खूबसूरत है वो मतलब है वो बड़ा हसीन व जमील है वो कहेंगे वो शख्स बजात खुद ही हुसन जमाल है तो मुराद होगी कि वो अब हुसन के बिल्कुल इंतहा मुबालगे के दर्जे पर किसी शख्स के बारे में कहेंगे जी वो बड़ा बहादुर है ठीक है तो भाई बड़ा ठीक है बड़ा शुजा है इसमें दलैर है लेकिन आप कहें वो शख्स तो बहादुरी बजात खुद है है ना इसका मतलब होगा कि वो बहादुरी की मिराज पर है अखीर है सबसे अखीर है उस जैसा कोई भी नहीं है इंतहाई दर्जे का बहादुर है तो कुरान को अगर अल्लाह पा फरमा ये कुरान है कुरान के माने पढ़ना ठीक है तो जब इस तरह इस्तेमाल किया जाता है मुराद ये है कि ये हर शख्स के पढ़ने के लिए है और कसरत से पढ़ने के लिए है ये ऐसी चीज़ है जो हर शख्स पढ़े और चाहिए कि कसरत से पढ़े बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा जाए जितना ज़्यादा इसको पढ़ा जाएगा उतने ज़्यादा इसके मोजात और इसके मानी इंसान पर रोशन हो इसके बारे में कुछ बड़े किस्से लेकिन बहरहाल वो आज उसका मौका नहीं है लेकिन ये कुरान पाक का ख़ास मज़ा है जितना ज़्यादा पढ़ें उतनी ज़्यादा इसमें से बातें निकलती जाती हैं कभी पुरानी नहीं होती कुरान करीम कभी भी पुराना नहीं होता जितनी दफ़ा पढ़ें उतनी दफ़ा आपको नई बात समझ में आती खैर दूसरी बात अल्लाह ने फरमाई कि हमने इसे अरबी ज़बान में बना कर भेजा है ताकि तुम इसे समझ लो ठीक है अब ये इस पर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं बाद लोग इतराज़ करते हैं कि जी ये तो अरबों के लिए नाजिल हुआ है जो जोरजीन है वो कहते हैं तो अरबों के लिए हमारे लिए तो है नहीं अंग्रेज़ों के लिए और इस्पेनिश स्पेनि, के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए तो है नहीं है ना और फारसी वालों के लिए भी नहीं किसी के लिए सिर्फ अरबों के लिए ये बात नहीं है ये बात नहीं है पहली बात यह है कि इंसानों के हिदायत के लिए जब भी कोई किताब अल्लाह ने उतारी है तो किसी एक कौम में उतारी है ऐसे ही होगा ना जब इंसानों के लिए अल्लाह पा कोई किताब उतारेगा तो एक कॉम में उतारेगा और वो कौम जो है वो कोई एक ज़बान बोलती होगी तो उसी कौम की ज़बान में उतारा जाएगा और फिर उस कौम के ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी लगाई जाएगी कि उसे बाकी बाकी पूरी दुनिया में फैलाए ठीक है ये तो नहीं हो सकता कि बेअवक़ अल्लाह जबाना उतार ये होना ये अल्लाह का प्लान ही नहीं है कि पूरी दुनिया में जनाब हर मुल्क में कुरान उसकी ज़बान में उतार देता अल्लाह जर्मनों के लिए जर्मन अंग्रेज़ों के लिए अंग्रेज़ी फ्रांसीसियों के लिए फ्रांसीसी हर जगह जब अलग से आ रहा है एक अल्लाह ने रसूल भेजना था और उसके साथ किताब भेजनी थी वो एक ही जबान में होना था तो ये हम खाई का एतराज़ है कि भाई ये सिर्फ अरबों के लिए है सिर्फ़ अरबों के लिए नहीं है ये शुरू अरबों से हुआ था नंबर वन दूसरी बात यह है कि इस इस फिक्रे का मतलब ये है कि ए अरबो ये तुम्हें बात जो है ना फारसी ना यूनानी जबान में नहीं समझाई जा रही ठीक है ये ग्रीक या लैटिन या पर्शियन नहीं है ये तुम्हारी अपनी ज़बान में है तुम इस पर एतराज़ ना करो तुम इसको समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से ठीक है ये बात है इसलिए अल्लाह फरमाता है कि हमने अरबी में नाजिल किया है नहन नहनई का अहसन बीमा अनाई का हादल कुरान ए मोहम्मद हम इस क़ुरान को तुम्हारी तरफ़ वही करके बेहतरीन पैराए में बेहतरीन तरीके से किस्से और वाकयात और हकायक तुमसे बयान करते हैं ये इस आयत के इस आयत के इस टुकड़े के एक माने हैं कि हम तुम्हें बेहतरीन अंदाज से क़े सुनाते हैं दूसरे माने ये हैं कि हम तुम्हें बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं दूसरे माने क्या हैं कि हम तुम्हें वही के ज़रिए बे आसनस के दो माने हैं पहले मान हैं कि किसी चीज़ को बहुत खूबसूरत अंदाज से सुनाना बहुत अच्छे बेहतरीन अंदाज से सुनना आसन दूसरे मान है कि वह क़स्सा बेहतरीन है जो सुनाया जा रहा है वो भी किस्सों में सबसे बेहतरीन तो से, से बिल्कुल बेखबर थे तो नावाकिफ ना थे मोहम्मद सल <स्काँणियों> अब जो है तमहीद किस्से की तमहीद शुरू हो रही यहां तक तो, तो बात हो गई अब जो है उसका अब अब हजरत यूसुफ्

अब अपना ख्वाब सुना रहे हैं अच्छा भाई बात यह है कि कुरान करीम के एक एक हर्फ में एक एक जुमले में जो है वो बहुत से जिसे कहते हैं कि असबाक पोशीदा होते हैं ठीक है जी तो हजरत जो हैं वो अपने वालिद को जो ख्वाब सुना रहे हैं वो भी उसके अंदर भी बड़े ख़ास बात है ठीक है पहली बात यह है कि ये आम अरबी के असूल के ख़िलाफ़ है ठीक है कि इस तरह बताया जाए उलमा ने लिखा है कि सलाम जो थे वो याकूब सलाम के बेटों में से सबसे ज़्यादा साल फितरत बचपन से ही छोटी उम्र से ही साल फितरत संजीदा और मतीन और तोज़ो वाले थे तोज़ो कहते हैं इंकसारी हो किसी की तबीयत में इंकसारी हो खाम खाई में खुद बड़ा बन बनने की कोशिश ना करता हो तो अलैहिस्सलाम ने ये जो ख्वाब सुनाए इसमें बड़ी तोज़ो पशीदा है ये आप समझ लीजिए इसी इस सूरत में मानी के समंदर हैं और एक एक लफ्ज़ में बड़े बड़े इसबाक हैं तो यूसुफ ने जिस स्टाइल से ये ख्वाब सुना इसमें उनकी तोज़ो बड़ी वाजह है ठीक है उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया है कि अपने वालिद को आके ख्वाब सुनाया इधर उधर अपने दोस्तों के हल्के में बात नहीं की ठीक है जिस ख्वाब में उन इतना ऐसा बड़ा ख्वाब देखा है और उसमें नज़र आ रहा है कि मेरी बड़ाई हो रही है वो तो ख्वाब में वा, वा वाज वाज़ है तो ये नहीं किया कि दोस्तों में बैठ के जो तो डींगे मार रहे हैं ठीक है खामोशी से बगैर किसी से जिक्र किए अपने वालिद के पास सबसे पहले आए पहली बात दूसरा काम उन्होंने ये किया यह उनकी शहदतमंदी की दलील है और उनके तोज़ों की दलील है कि ख्वाब को जाते पेश करते जाते ये नहीं पेश किया कि जी मैं देख रहा हूँ कि मुझे सजदा कर रहे हैं ग्यारह सितारे और चाँद और सूरज हालांकि हो सकता है अरबी जबान में ये काफ़ी मुनासिब है कि अगर वह कहते इन राय तो यस जो दुनी आदा 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 आदा। बहुत आसान बात थी नहीं पहले उन्होंने कहा जी मैंने ग्यारह सितारे देखे हैं और सूरज देखा और चांद देखा है फिर यहाँ पहुँच के झिझक गए और रुक गए ठीक है ये बात महसरीन ने बड़ा अच्छा लिखा है वो कहते हैं यहाँ पहुँच के रुक गए अब वो बात आ रही है जिसमें उनकी बड़ाई जाहिर हो रही है अपनी बड़ाई की बात करते हुए झिझक रहे हैं रु, रुक गए फिर कहते हैं राय तुहम मैं क्या देखता हूँ ठीक है अच्छा बता चुके हैं देख रहा हूँ फिर कहते हैं मैं क्या देखता हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो ये सारा जो है इससे हमें सबक मिलता है कि इंसान को अपनी बड़ाई पर इसरार नहीं करना चाहिए अपनी बड़ाई की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए हम और आप छोटे हैं हम सब ग़ुलाम हैं मखलूक हैं ये यूसुफ यूसफ़्लम का जो उसलूब है ये ख़ास इससे पता चलता है कि वो अपनी बड़ाई की बात इवन बताते हुए भी हालांकि ख्वाब है लेकिन थोड़ा सा झिझक रहे खैर तो अब उन्होंने अपना एक ख्वाब सुना दिया जी कि अभी अब कहते हैं समझा जाता है कि यूसुफ यूसफ़ की उम्र उस ज़माने में गालिबा कोई बारह चौदह पंद्रह के लगभग दस और सत्रह तकरीबन इसके दरमियान बाद लोगों ने सात साल भी कहा है लेकिन तकरीबन चौदह पंद्रह साल उम्र समझी जाती है कि चौदह पंद्रह साल का एक लड़का है जो जा के अपने वालिद को बता रहा है कि भाई ये ख्वाब मैंने ये अब्बा जान ये ख्वाब मैंने देखा है जवाब में यूसुफ़ कॉलाुफल अबी ही या अबती इन रई तुहदा कल कबा व शमसवल लीसा जदीन और देखता हूँ कि वो सितारे और सूरज और चाँद मुझे सिद्धा कर रहे हैं कला या याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा उनके वालिद ने कहा या बुनैया ए बेटे ला तखस या काला फ़कीदूल का मेरे बेटे ये ख्वाब मत सुनाना अपने भाइयों को वरना वो तेरे ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे तेरे ख़िलाफ़ चाले चलेंगे इन शैतान अदो मुबीन बेशक इंसान के लिए शैतान खुला दुश्मन है कस्सा क्या है जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि सलाम के एक तो छोटा भाई था वो तो काफ़ी छोटा था लेकिन जो बाकी दस बड़े भाई थे वो गालिबा जवान थे सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे हैं जो चौदह पंद्रह साल के बाकी सारे भाई बड़े हैं फुल अपनी पूरी जवानी को पहुंच चुके हैं और वह आपस में उनमें अकाठ भी काफ़ी है ठीक है और जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम साले फितरत और नेक और सादतमंद हैं वो बाकी सारे भाई जो है ना उस उनमें इस किस्म के कोई खास आसार नहीं पाए जाते बल्कि किसी हद तक जरा दूसरी तरह कही हैं ख़राब उनके मामला अच्छे नहीं थे अल्लाह से डरने वाले नहीं थे ठीक है तो उन भाइयों के बारे में वालिद ये बता रहे हैं कि ये अपने सोतेले भाई से हसद करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनको हसद है क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम साले फितरत थे नेक थे देखें वालदेन को तमाम औलाद बराबर अजीज़ होती है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो औलाद फर्मा बरदार और सादतमंद हो ऑटोमेटिकली उसके लिए दिल में जगह ज़्यादा हो जाती है ये कुदरती बात है ठीक है ऐसे ऐसे होता है ये तो हमें नज़र आ रहा है इस से भी और ऐसे भी होता है तो याकूब अलैहिस्सलाम को नज़र आ रहा था कि मेरा सही सच्चा वारिस जो है वो अगर कोई हुआ तो ये लड़का होगा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम होंगे तो वो उनसे गालिबन थोड़ा सा ज़्यादा कुछ तरजीह सलूक होगा या कोई मोहब्बत का मामला होगा और वो बाकी भाइयों को नज़र आ रहा था और इस बना पर बाकी भाई जो है वो उनसे हसद करने लग गए हसद में आदमी ये नहीं सोचता कि मैं भी अपनी अपनी सलाह करूँगा ये सोचता है कि मैं दूसरे का किस तरह किसका कबाड़ा कर दूँ ठीक है तो यही हुआ और यही बात याकूब आसम बता रहे हैं कि ए बेटे भाइयों को ना सुनाना ये ख्वाब वो तेरी तेरे लिए इस इतनी बड़ी जो अजीम बशारत है और एक बेहतरीन मुस्कबिल की जो इसमें ख़बर हासिल हो रही है उस पर वो और जलेंगे खोड़ेंगे और क्या पता तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें ठीक है ये बात उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की और आपको पता है शैतान इंसान का खुला दुश्मन है यानी शैतान तो चाहता है कि इंसान इंसानों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करें एक दूसरे के खिलाफ चले चलें ये असल में कहाँ से होता है ये शैतान से होता है पाक कुरान में फरमाता है इन जन जगोबाई ना हो यही कहते हैं ठीक है इन न शैताना का निल्सान अद मुबीना बेशक इंसान शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है तो ये शैतान की तो सबसे पसंदीदा कार्रवाई है कि लोगों के दरमियान तल्लु ख़राब हो जाए तो लिहाजा तुम यह काम ना करना तो तुम्हारे भाइयों के वरना तुमसे और तल्लु ख़राब हो जाएंगे ये बात याकूब यकूब सिखा रहे हैं आगे कहते हैं वह कदाल यज और ऐसा ही होगा यानी जैसा तुमने ख्वाब में देखा है एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब कर लेगा अहादीस, और तुझे बातों की तह तक पहुँचने पहुँचना सिखाएगा तवील अहादीस के दो माने हो सकते हैं एक ख्वाब की तबीर का इल्म और आम अरबी के लिहाज से किसी भी बात को अच्छी तरह समझने का, का इल्म कोई जो मामला चल रहा हो उसमें उसे उर्दू में कहते हैं मामला फहमी कि क्या मामला है उसकी तह तक फ़ौरी तौर पर पहुंच जाना ये अल्लाह की तरफ़ से अता होता है तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा वम तलाई का वम अलाअवई का मीन कब्ल इब्राहीम वाक़ इन नब्बा का अलीम और तेरे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल करेगा और आले याकूब पर भी इसी तरह जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक़ पर मुकम्मल कर चुका है यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है नेमत मुकम्मल करना क्या चीज़ है क्या करेगा मुराद तो ये ली जाती है नबूत जो सबसे बड़ी और मुकम्मल नमत है अल्लाह की किसी इंसान पर जो नाजल हो सकती है वह क्या है कि उसको नबूत अता हो लेकिन अगर नबूत ना आता हो तो उसके बाद सबसे बड़ी नमत क्या है अगर नबूत नबूत का दरवाज़ा बंद हो गया तो उसके बाद सबसे बड़ी नमत यह है कि उस शख्स को अल्लाह सुबहाना तला अपने दीन और शरीय अता फरमाए दीन का इल्म दीन का फहम अपनी शरीय का फहम और उस पर उसका इल्म और फहम और उस पर चलना नसीब फरमाए जिस शख्स की जिंदगी में दीन और शरीय आ जाए उसको अल्लाह की नमत मिली है जिसकी ज़िंदगी में दीन और शरीयत ना हो उसे हकीकाता कोई नमत नहीं ने मिली अगर उसको सेहत भी मिली है और उसको दौलत भी मिली है और उसको हसन व जमाल भी मिला है लेकिन दीन और शरीयत हासिल नहीं हुई दीन पे चलने वाला नहीं है तो हकीकता उसको कोई नमत नहीं ने मिली और जिस शख्स को दीन मिल गया उसको तमाम नमतें मिल गई चाहे कुछ और ना मिला हो ठीक है ने इस बात की तस्वीर की है और चूँकि दीन वो चीज़ है जिस जिसपे चलना इंसान को अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल कर देता है और उसको जन्नत में ले जाता है जहाँ पे हमेशा हमेशा के नमते हैं और इसके बगैर जो इंसान है वो कहाँ जाने वाले हैं वो जहनम में जाने वाले नाव जो अल्लाह की बातें नहीं मानने वाले वो जहनम वाले हैं तो ये असल और बड़ी नेमत क्या है अल्लाह का दीन और अल्लाह की शरीयत उस पर अमल उसकी समझ और उस पर अमल और इसकी पीक क्या है इसकी चोटी क्या है सबसे ऊंचा मकाम जो इंसान को मिल सकता है वो नबूवत है ठीक है तो ये बता रहे हैं कि ये तुझे भी इन नबूवत हासिल होगी यहाँ तक तो याकूब अल्लाम ने ताबीर उस ख्वाब की बता दी इस सारे मामले से हमें कुछ इसबाक हासिल होते हैं मैंने अर्ज़ किया ना इसमें बहुत सारे इसबाक हैं पहला सबक ये होता है ये हासिल होता है कि याद रखें ख्वाबों की एक हदीस में तिरमजी शरीफ की हदीस है और इबन में भी है कि ख्वाबों की तीन किस्में हैं एक होते हैं कि जो इंसान को सारा दिन ख्याल आ रहा है जी जो मसलन मतलब कोई आदमी कोई बच्चा है वो उसको सब खेलने का बहुत शौक है वो उसको तो ख्वाब में भी वही खेलाएगा जो आप सारा दिन सोचते रहते हैं वही आपको रात को उसकी तस्वीर बन जाती है और वो ख्वाब में जिस जो आपका अपना नफ़्स आपको सुझाता रहता है वही आपको ख्वाब में रात में आ जाएगा ठीक है इसको कहते हैं हदीस नफ्स क्या उसका नफ्स उससे बातें कर रहा होता है दूसरे होते हैं वो ख्वाब जो शैतान दिखाता है बाद शैतान भी ख्वाब दिखा सकता है उसको कहते हैं तस्वील शैत तस्वील शैतानी और तीसरे वो होते हैं अल्लाह की तरफ से सच्चे ख्वाब और उनको कहते हैं क्या कहते हैं रुआ आए सदक़ा यानी सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ, जो अल्लाह की तरफ से सच्चे ख्वाब हो उनको कहते हैं रूआ आए सदक़ा हदीस में भी इसकी कुछ तफसल आई जैसे कि मैंने अर्ज़ किया ठीक है एक हदीस में आता है कि ख्वाब नबूत का छियालीसवाँ हिस्सा है एक बटा छियालीस है वन बाई फोर्टी सिक्स है नबूत का और इसकी तफसीर इसकी शरह यह है कि रसोल जो मसिन ने की है कि रसोल वम ने तेईस साल नबूत का काम किया तो उसमें पहले छ माह आपको सच्चे रोशन ख्वाब आते थे जो बाद में जो जाके पूरे हो जाते थे अगले दिन या उसके कुछ ही दिन में वो पूरे हो जाते थे सच्चे ख्वाब आते थे कसरत से पहले छः माह ये हुआ उसके बाद सलाम आए और वही शुरू की और अगले साढ़े बाईस साल आप पर वही नाजुल हुई तो तेईस साल, तो साल का अगर में से छ महीने क्या बने एक साल का आधा छः महीने एक साल का आधा और तेईस साल को अगर काउंट करें तो वन बाय फोर्टी सिक्स बन गए तो इस लिहाज से इसको छियालीस वाँ हिस्सा फोर्टी सिक्स वहां वन बाय फोर्टी सिक्स समझा जाता है ठीक है और हदीस में यह भी आता है कि आइंदा नबूवत में से कुछ बाकी नहीं रहेगा सिवाय मुबशरात के तो साहबा ने पूछा मुबशरात क्या होता है तो फरमाया सच्चे ख्वाब कि अब नबूत में से कुछ नहीं बचेगा सिवाए सच्चे ख्वाबों के ये भी जान लें इसी सूरह यूसुफ से पता चलता है कि बाज़त काफ़िर या फासिक व फाजिर शख्स को भी सच्चा ख्वाब आ सकता है ये उसके नेक होने की कोई दलील नहीं है पहली बात ये समझ लीजिए आपने ठीक है अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कैद के दो साथी हैं उनको भी ख्वाब आएगा अभी आगे बादशाह के ख्वाब का रग जिक्र आएगा वो सब हम पढ़ेंगे तो फासिक व फाजर शख्स को बल्कि काफ़िर को भी सच्चा ख्वाब आ सकता है एक हदीस में किसरा के जो किसरा था ईरान का बादशाह मजूसी उसको भी सच्चा ख्वाब आया हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने में बख्त नसर को सच्चा ख्वाब आया सच्चा ख्वाब किसी को काफिर को भी आ सकता है इससे कुछ नहीं होता और ये बात कि ख्वाब में जो चीज़ आई है वो खिलाफ शरीयत किसी चीज़ के लिए वो हुक्म नहीं बन सकती याद रखें ख्वाब में कोई ऐसा काम हुक्म नहीं बन सकता जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो ख्वाब ख्वाब है ख्वाब शरा नहीं है शरीयत उसके ऊपर है ठीक है जी शरीयत ऊपर और ख्वाब उसके नीचे है। उसके तहत है ये भी पता चलता है और हदीस से साबित होता है कि अगर किसी शख्स को कोई अच्छा ख्वाब आए तो चाहे तो उसको बयान करें और को चाहिए कि अपने किसी खैर ख्वाह को बयान करें जैसे यूसुफ़ ने अपने वालिद को बयान किया ठीक है और अगर बुरा ख्वाब आए तो उसको बयान ना करें बल्कि उठ के दो नफल नमाज पढ़ लें ठीक है या सही मुस्लिम की रिवायत है कि तीन दफ़ाज़ बिल्ला पढ़ कर बाएँ तरफ थार दे तो इस तरह करके बस कर दे तीन दफ़ा अवजु बिल्ला पढ़ के शैतान से पना ले मांग कर बुरा ख्वाब आए तो ये करें और कोशिश करें कि किसी को ना सुनाए ठीक है बाद रवायत में आता है कि ख्वाब मुअल्लक होता है मुअल्लक होता है अगर उसको सुना देंगे तो उसकी ताबीर हो जाएगी और अगर नहीं सुनाओगे तो ताबीर हो सकता है ना हो वो बन जाए अफूसन बुरे ख्वाब के मामले में ये बात आ जाती है ठीक है जी तो चाहिए कि किसी खैर ख्वाह को और किसी अक्लमंद शख्स को बेवकूफ़ खैर ख्वाह हो तो वो भी अच्छा नहीं होता ठीक है ठीक है बेवकूफ़ी करेगा नुकसान पहुँचा देगा ये बात अगली बात जो पता चली जो याकूब असल अपने बेटे को सिखा रहे हैं वो ये है कि अपने मकसद में कामयाबी के लिए राज रखना ज़रूरी है कहा है भाइयों को मत बताना इस ख्वाब को राज रखना एक हदीस में आता है कि अपने मकसद में कामयाबी के लिए राज रखा करो क्योंकि दुनिया में हर साहब नेमत से हसद किया जाता है ठीक है एक हदीस का ये मज़मून है और ये कि भाई जैसे कामयाब होना चाहता है उसको चाहिए कि भी अपनी जो बातें बहुत सी बातें उनको राज में रखा करे हर बात हर एक से करने की जरूरी नहीं होती ठीक है अक्सर बातें आप दिल में रखें खामोशी से अपना काम करते रहें ठीक है बहुत ज़्यादा अपने इरादों का इजहार जो है वो बिलमूम उन इरादों की नाकामी का बायस बन जाता है ये अहम बात है ठीक है अल्लाह से अपने इरादों का इजहार करें और खामोशी से उनके लिए मेहनत करते रहें ये तरीका है ये तो चंद बातें थी हाँ एक बड़ी अहम बात वो ये कि अगर किसी मुसलमान को किसी दूसरे शख्स के शर से बचाने के लिए गिबत भी की जाए तो वो गिबत नहीं होती या यकूब आसम बता रहे हैं तेरे भाई तेरे खिलाफ साजश करेंगे वो भी मुसलमान हैं कलमा गो हैं पैगम्बर के बेटे हैं वो सारे भाई लेकिन याकूब आसमाम उनको सिखा रहे हैं कि भाई वो तेरे ख़िलाफ़ साजिश करेंगे तो तू तो उनको ना ख़्वाबना सुनाएंगे तो येमा ने लिखा है कि भाई आप किसी मुसलमान को अगर किसी बुरे के शर से बचाना चाहते हैं किसी दूसरे मुसलमान के शर से भाई आपको पता चलता है एक फला शख्स दूसरे इस शख्स के कत्ल की साजिश कर रहा है या इसके घर में चोरी करने का इरादा रखता है तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको जाके बताएँ ताकि वो अपने बचाव कर लें ठीक है ना अगर पक, अगर पक्का पता चल गया है या ये होता है कि भाई कोई किसी ने कहीं रिश्ता डाला है ठीक है तो अब आपको पता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं अगर आपको पक्का पता है वो लोग अच्छे नहीं है तो आप बता दें कि भाई इनमें ये ये बातें हैं ठीक है थीके? ये जो है बहरहाल ये ये गिबत के जैल में नहीं आता और ज़ाहिर है ख्वाब की ताबीर क्या थी वो मैं आपसे कर चुका हूँ कि ग्यारह सितारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ग्यारह भाई थे सूरज याकूब अलैहिस्सलाम ख़ुद थे और चाँद उनकी वालदा साहिबा थी उनकी एक वालदा जिनसे ये पैदा हुए थे वो तो फ़ौत हो चुकी थी और यहाँ मुरादा सतीली वालदा और रिवायत में आता है कि वो इनकी शायद खाला भी थी वो उनकी खाला भी थी और बाइबल का ये बयान है कि बिन यामीन की पैदाइश के वक्त आ, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था ठीक है बाइबल के बारे में हम ये बात सुन चुके हैं कि तोरात और इंजील की वो बातें हम कबूल कर सकते हैं कि जो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो और अगर कुरान और हदीस से मुख्तलिफ हैं या खिलाफ हैं तो फिर हम उनको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनमें तहरीफ हुई हुई है अच्छा जी आया टाइम है हमारे पास कितना टाइम हो गया मेरा ख्याल यहाँ रुक जाते हैं मेरा ख्याल यहाँ रुक जाते हैं इनशाला इससे आगे क्योंकि आपको शुरू हो रहा है तो इससे आगे अगली दफा इंशाला पढ़ेंगे बा हमें अम्बिया की सीरत मबारका को पढ़ने की सीखने की उस पर अमल करने की और उसे आगे पहुँचाने की तफी कतः फरमाए उनका साथ हमें प्यामत में नसीब फरमाए हाँ एक बात रह गई कि वो बतानी ज़रूरी है वो ये कि बाइबल में यह क़स्सा और तरह बयान हुआ बिल्कुल ख्वाब तो आया है लेकिन ख्वाब उसमें लिखा है कि जब यूसुफ़ल ने ख्वाब सुना सॉरी अज़रत यकूब आसमाम ने खब सुना तो बेटे को ख़ूब डांटा बेटे को खूब डांटा और कहा अच्छा तो तू अब ये ख्वाब देखने लग गए कि मैं और तेरी माँ और सब भाई तुझे सजदा करेंगे यानी नाजु अपने बेटे से नाराज़ हुए हालांकि देखें पहली बात यह कि यूसुफ़ सलाम ने कोई ऑर्डर पर ख्वाब नहीं बनवाया था ठीक है वो तो ख्वाब आया था उनको ठीक है ख्वाब अल्लाह की तरफ से आया था पहली बात तो उसमें उनको डांटने की तो कोई बात नहीं थी दूसरी बात ये कि याकूब यकूब सलाम ने जब ताबीर बताई है तो सच्चा ख्वाब समझ के बताइए सच्चा ख्वाब तो अल्लाह की तरफ से ही होगा है ना तीसरी बात ये कि दुनिया में वो कौन सा कमीना बाप होगा जो अपने ही बेटे की रूज की और तरक्की की खबर सुन के उससे लड़ने लग जाए उसे नाराज़ हो जाए कोई यहूदी किस्म का बाप हो तो मैं कह नहीं सकता ठीक है ये यहूद की साजिश तरीका है ना मशहूर है जो यहूदी ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा छलान लगा दे मैं तुझे पकड़ लूँगा और फिर नीचे से हट गया था है ना सुना मैं ना सबने और फिर ये कहा कि इससे सीख ले कि अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए कभी तो यहूदी सी टाइप के लोग हैं लेकिन हम इन ऐसे लोग नहीं हैं ठीक है थीके? जो, जो अल्लाह को मानते हैं वो अपने औलाद के और पूरी इंसानियत के खैर होते हैं कुजा कि अपनी औलाद से नाराज़गी करें तो ये जो बाइबल का अहमकाना बयान है वो यहूद की मशक़ शुदा सीरत से तो मुनासमत रखता है मगर किसी आम इंसान से भी मुनासमत नहीं रखता कुजा ये कि याकूब आलाम जो खुद अल्लाह के पैगंबर हैं नेक सीरती और सालहियत में और तकवा में हाईएस्ट ऊंचे तरीन मकाम पर हैं वो अपने बेटे के लिए अल्लाह की तरफ से दिखाया गया ख्वाब उस पर खुश ना हो ठीक है तो जो जब जो, जो कुरान बता है हकीका वो दिल को लगता भी है और ये अल्लाह पाक का एहसान है कि उनके घड़े हुए झूठे क़स्सों की अल्लाह सुबहान तै ने सच के ज़रिए असलाह फरमाई है ये जानना ज़रूरी है अल्लाह सुबहाना तला में इन चीज़ों को सीखने समझने की और अमल करने की तफ़ीक़ दे औ, 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 और अम्बिया के साथ क़्यामत में और आखिरत में उनका साथ नसीब फ़रमाए आमीन सुबह नबिहमद का नशो अल्ला सफ़रुका वनतूबा